ये मज़ेदार सा अरबी गोश्त हमारा रेडी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी रेसिपी ये है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ अरबी गोश्त की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, 1 किलो मैंने अरबी या अरबी को लिया है। इसको मैंने छील कर अच्छी तरह से काट कर और 1 घंटा पहले ही नमक लगा कर पानी में भिगो दिया था। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 1 बड़ा टमाटर, 1 बड़ा ही प्याज है, ये मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े, वो छोटी इलायची और 1 खुश्क धनिया का चम्मच लिया है। बाकी को जो मसाले डालूंगी साथ साथ बता दी जाऊँगी। हमने प्रेशर में जो गोश्त 1 किलो गोश्त इसके अंदर डाल लिया है, अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट में शामिल कर लेंगे। ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे ये इसमें शामिल कर लेंगे और 1 ग्लास वाइन डालकर इसको 10 मिनट के लिए स्टीम पर लगा दें। ये मैंने आधा कप घी में गर्म करके रख दी है, अब मैं इसमें 1 किलो भी डालकर फ्राई कर लूँगी। अरबी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो ग्रीस होती है, लेसलापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। ये हमारी अरबी फ्राई हो गई है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम ये पिक्चर में जो मैंने बड़ा प्याज लिया था ये हम इसमें डाल देंगे और इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। लाइट गोल्डन हो गया है, अब ये गोश्त जो हमने स्टीम पर रखा है इसका पानी हमने बिल्कुल खुश कर लिया है, इसको शामिल कर देंगे। दो से 3 मिनट के लिए गोश्त की भुनाई करें। अब हम इसमें 1/2 चम्मच सूरज मिर्च, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच कूटा हुआ जीरा और 1/2 चम्मच हल्दी बनाई करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। ये मैंने 1 बड़े साइज का टमाटर लिया था जिसके साथ शामिल कर देंगे। हमने अच्छे से बुनाई कर ली है, अब जो हमने अरबी फ्राई करके निकाली थी इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। अरबी और गोश्त अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें 1 ग्लास पानी शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 ग्लास पानी शामिल कर लेंगे। पानी शामिल करने के बाद हम इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे ताकि हमारी जो अरबी है वो अच्छी तरह से गल जाए। पहले हम तेज़ आंच करेंगे ताकि पानी को बॉयल आ जाए, फिर हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। ये हमारे पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है, अब हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। माशाल्लाह हमारा अरबी गोश्त रेडी है, अब हम इसमें 1/4 चम्मच मिक्स गरम मसाला डालेंगे। ये हमारा गोश्त रेडी है, इसके ऊपर छेद मिजे मैंने
दो काट के डाल दिए हैं, अब हम इसको निकाल देंगे। ये हमारी रेसिपी रेडी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।